ऐसी बहू तो हमने ना देखी जो 10-10 बजे सो कर उठे। मेरी लौंडिया ना उठे तो मुझे तो चाय भी ना मिले। सारे काम मेरी बच्ची करती रहे। अरे अभी उठी ना है वह? सो रही है महारानी। पता नहीं हमारी तो फूटी किस्मत है, दुनिया का इतनी कमेरी बहू आ रही है, ये उठे 10-10 बजे। मैं तो इस बहू से तंग आ गई हूँ। बताओ चाय की ना पानी की? अभी क्यों रे? अम्मी। वाह बहू अब तक सो रही है, ए, चाय की ना पानी की? वह कहीं की महारानी है? अम्मी मैंने तो कई बार उठा लिया मगर सुनी ना रही। मैंने उससे बोल दिया या तो काम धंधा कर ले वरना अपने घर चली जा। अम्मी मैंने बोला तो मेरे से बोल रही, फालतू मत बोल, अपना बना के पी ले। अब तुम्हारी सबकी खत्म हो गई हो तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मेरे सामने ज्यादा टैटा करने की जरूरत नहीं है। और नहीं अभी अपने अब्बू अम्मी को बुला लूंगी और थारी गैल कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। आज बुला, आज तो अपने अब्बू को ही बुला। आज मैं ये फैसला करके ही रहूंगी। और तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज यो फैसला तेरे सामने ही होगा। यो फैसला करके ही जाइए, कहीं भी जाएगा काम धंधे पे। अलमारी से कैसे पकड़ रखा आपने? मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आने वाली है। अरे पुलिस से निपटाओगे, गांव से निपटारा करवाओगे इसका? गांव वालों को बुला के कैसे करोगे? पुलिस आने वाली है जी। बस तुमने मारा हो रहा है क्या? चोर है, मोटरसाइकिल का तेल चुराया। कहने चुराया? लो आ गई पुलिस। मैंने करा जी फोन, इसने मेरी मोटरसाइकिल में से तेल चुराया। तो तेरी मोटरसाइकिल का तेल चोरी हुआ? हाँ जी। अच्छा तो अब तेरा आरोप है तेरा तेल इसने चुराया? हाँ जी, इसने मेरे सामने चुराया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और अब ये नाट रहा है। नाट रहा? ओवे, आंखों में धूल झोंक रहा? हम देखते हैं। जब तू देख रहा था तो तू नहीं से रोका क्यों नहीं? दरोगा जी केस तो इस साले पे भी बनता है, अपराध तो यही करवा रहा था। तेरे पे केस पक्का बनता, केस तेल पे लगाऊंगा। तू ना सोचा होगा तेल चोरी हो रहा, होने दो। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस वाले आएंगे, मेरा तेल दिलवाएंगे। तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं। दरोगा जी, जुलम करने वाले से बड़ा दोषी जुलम करवाने वाला दोषी होता है। ओए, जुलम कर रहा? देख रहा तेल चोरी हो रहा फिर भी जुलम कर रहा है? सारी निकाल दूंगा आज। अब खड़ा, ऐसा करो दोनों चलो, दोनों चलो, चौकी में ले जाकर साला रूल लगाऊंगा। दो दो आप भूल जाओगे, चलो फैसला सारा वहीं होगा। साहब जी मैं तो अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए बस थोड़ा सा तेल ले रहा था। साहब जी आप जैसे कहोगे मैं तो वैसे ही कर लूंगा। तू यहाँ बात करेगा? चल मेरे साथ आ साइड में। हाँ साइड में ले जा, साइड में बात कर, साइड में बात कर। सारा पंचायत में बात कर रहा। सुन अगर ठीक ठाक निपटना चाहता है ना तो मेरे से ही निमट ले, साहब को पता चलेगा तो ज्यादा में निमटना पड़ेगा। ठीक है साहब जी, ठीक है। लो साहब जी लो, मैं तो अपनी गलती का दंड भर रहा हूँ। साहब को पता चलेगा तो जेल भी करवा देंगे, पिटाई भी अलग करेंगे और तुझसे पैसे भी ज्यादा ले लेंगे। और देख रहा हूँ साहब जी, और देख रहा हूँ साहब जी, अभी दुकान देख रहा हूँ अभी, और देख रहा हूँ। बस मेरे पास 1000 हैं, बस इतने में ही सर से बात कर लो। ठीक है हौलदार, निमटाओ जल्दी निमटाओ, चल रहे हैं फिर। दोनों को चौकी में ले जाके दो दो डंडे लगाऊंगा, सब भूल जाओगे। दरोगा जी पुलिस चौकी में क्यों ले जा रहे हो? मामला यही निपटा लो, यही निपटा लो। अरे हौलदार नहीं आओ। ला चल ठीक है आ। ठीक है अब हम चलते हैं साहब। हाँ चलो हम अपने थाने चलते हैं। हाँ। इनका आपस का मामला है, ये अपने आप सुलटा लेंगे। अबे ओए सुन, तू अपनी मोटरसाइकिल अंदर खड़ी करा कर। साहब जी गलती से बाहर रह गई, अब अंदर कर दिया करूंगा। अंदर करा करो गाड़ी को, अंदर करा करो। दरोगा जी गलती हो गई,
अब से बाद में अंदर कर देखूंगा। हाँ, एक बात सुनिए, मैं तुम पे अपनी चीज नहीं रखाई जाती हैं? अपने सामान की सुरक्षा खुद करो। हाँ जी हाँ जी। पुलिस नौकर लग जाए तुम्हारे, छोटे छोटे कामों के लिए पुलिस को बुलाते हो? गलती होगी सर। हवलदार चलो। हाँ, छोटे छोटे काम के लिए पुलिस को फोन करते रहते हैं। अबे यार, तूने खामखा पुलिस बुलवा ली। क्यों बुलवाई तूने पुलिस ये? अबे 50 रुपए का तेल ही तो था तेरा, हैं? यहाँ 1000 रुपए की लंका पुदगी। तेने 50 रुपए का तेल चुरा के 500 की मेरी भी पुजवा दी। अबे तो ऐसी बात कर लेता, पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी? अबे अनवार भाई, तुम बिल्कुल पागल आदमी हो। भाई इतने से काम के लिए पुलिस बुला रहे हो, हम काहे के लिए बैठे गाँव वाले? मैं गाँव चार पंचों में फैसला निपटा देते, दो हाथ तुम मारते, दो हाथ मारते सजा मिल जाती, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए, तो सजा हम दे देते इसे। यार इतने से पुलिस तुमसे पैसे ले जाएगी, इससे ले जाएगी क्या? तुम्हारे 50 रुपए का तेल तुम्हारे गया हुआ और पुलिस को बुला रहे हो क्या यार? तुमने अनवार भाई कहाँ से यार, तुम्हारी सोच है क्या? तुम घटिया हो, दो मारते तुम्हारे बच्चे की संभाले, दो मार, ये मुजरिम ऐसे सजा मिलनी चाहिए। अरे भैया, पुलिस किसी की नहीं है, अपने सामान की रक्षा खुद करो, जाओ खेलो कूदो, अपना काम करो, चलो। कर दी ना मैंने रिपोर्ट थाने में, तो खिचड़ी फिरेगी थाने में। और ये तेरी लोंडिया बोली है ना, पक 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 पक, यू भी गैल धक्के खाती फिरेगी। ओ हरामजादी, जवान संभाल के बोलियो, यही मारूंगी अगर मेरी अम्मी से कुछ कही तो। हाँ, अब भाभी रही भाभी की जगह पे। अच्छा, हरामजादी कहेगी? हाँ कहूंगी। मुंह चलाएगी? मेरी सुसरी पहले तुझे ही बता दूं। आ जा, अरे बेटा ना करवा दे ना, अरे बच्चा अपनी जान चल ले, छोड़ दे इसकी लड़ाई, ये मार दे इसे, मार दे भाईजान, तुम भी कड़े कड़े जा रहे हो, बचा नहीं सकते, बचा भाईजान, बचा लो, ले मार दे, छुड़वा दे, मार दे, हां मार दे, ले पकड़ दे, ले ले ले, अरे बचा, अरे भाईजान देख रहे हो, ये ले, ऐसा मार दे, दो मार ले, अरे क्या देख रहा है तू, फिर मारा अपनी बहू पे, मार इसके। अच्छा, मेरी अम्मी को मारा, मेरी बहन को भी मारा। ड्रामे कर रही है बुढ़िया, कहीं भी ना लगी इसके। ज्यादा जवान मत चला। अरे बेटी, इसका ना है शर्म, बेहया हो रही है, बिल्कुल बेगैरत कमबख्त। अरे तू, तुझे मैंने 100 बार कह ली, इसे तलाक दे दे तलाक, पर हराम ज्यादा ये भी ना मानता। जा, बोल दिया, जा अपने घर चली जा। ऐसे बिल्कुल ना जाने वाली हूँ, अपने घर वालों को बुला रही हूँ अभी। और तुम्हारी हड्डी पसली ना तुड़वा दी ना, तो मेरा नाम भी तरन्नुम नहीं। बुला बुला, हराम ज्यादा को अपने पैरों पे जाने नहीं दूंगी। जिंदा नहीं जाने दूंगी, जिंदा कच्चा चबा जाऊंगी। गोबर खा ले मेरे घर वालों का, ज्यादा बकवास करी ना, अभी बुलाऊंगी अपने घर वालों को, कहो तो करूँ फोन अभी। हाँ बुला बुला, ले फोन पकड़ पकड़ फोन, देखे हम देखेंगे तेरे भैया कितने बड़े बदमाश है, बुला। गाड़ी रोकना जरा, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा। सुनो तो, होना किसका फोन है? हेलो हेलो। हाँ हाँ जी, बोलो। किनापुर गांव, किनापुर बरगद वाली गली, बरगद वाला पेड़ नहीं, बरगद वाली गली, जमीला का घर, जमीला का घर। हाँ चलो पूछ लेंगे, पूछ लेंगे। अच्छा जी ठीक है, आ रही है पुलिस, अभी वहीं पहुंच रही है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, हाँ कर लिया फोन, चल निकल। हाँ हाँ जा, चले जा, हमें तेरी जरूरत ना है। भाईजान, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। सही कह रही मेरी छोटी, तेरी शिकल अच्छी है ही ना, मुझे भी तेरी शिकल अच्छी ना लगती है। जब नहीं नहीं ही, जब तो कमरे से भी बाहर ना निकलने दिया करते, अब क्या हो गया, मेरे कौन सी दाढ़ी आ गई अब जो मेरी शक्ल अच्छी ना लगे।
तो तू कहते ही अपने घर से रुपए लिया हुआ थी और हम तेरी बीमार आदमी की तरह सेवा कर रहे थे। हाँ वल्लानी। हाँ जी। अब देख बसदा क्या, अब तो मेरे से निकाह करेगी या नहीं करेगी? जब कोई बात ना किस्सा, निकाह के लिए पहले मेरे घर वालों से बात करो। हाँ यही बात सही है, मैं साला अपना केस सुलझा नहीं पा रहा हूँ, दुनिया के केस सुलझाते फिर रहा हूँ। हाँ चलो पहले वहाँ चलो जहाँ से फोन आया है। आए है, मैं जब भी तुझसे बात करता हूँ ना तू ये कह देती है पहले ये केस सुलझा दे बाद बात कर लेना अपनी, है नहीं? तुम तो हमेशा ऐसी करते रहते हो, तुम और कोई बातें आती तो है नहीं। चलते जल्दी से पहले केस सुलझाते हैं। हाँ चलो चलो उसके बाद देखते हैं। आए हाय बीमारों की तरह सेवा करते थे, अब क्या हुआ? अब तो हमें शेरनी की तरह फाड़ने को आ रही है, फाड़ कर खा जा हमें। तुम मेरे बाप को कोई कर्जा देके भूल गई हो? रोज रोज पैसे मंगवाने के लिए लड़ो मुझसे, कहाँ से लाके दूँ तुम्हें रोज रोज पैसे? तो हम क्या भिखारी हैं? अपने बाप के जाकर टक्कर मार, उससे पूछ कमाता या ना कमाता हरामजादा। मेरे बाप के एक गाड़ी कुनबा है, दो मेरी बहने है बिहाने को, वो उनका पेट भरे या थारे जेंद भरे? मेरे से पूछ क्या करा खर्च, अगर घर में रहना तो 5 लाख रुपए ला वरना यहाँ से जा। इतने पुलिस आवे इन्हें बातों में लगा के रखती। अम्मी देखना मेरे अब्बा के बारे में कह रहे हैं, अब तुम्ही कुछ समझाओ अम्मी जी, संभाल लो इन्हें। अम्मी कुछ ना जानती, अम्मी पे तो तेरा ससुरा ना संभला। आज पीऊंगा ये कह के 10 बीघे जमीन पी कर मर गया। अब मुझे सब पता चल गया, तुम सब मिले हुए हो, तुम्हारी सबकी एक सलाह है, देख दिखाओ मुझे तलाक। अगर तुम सबको दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम भी तरन्नम नहीं। अरे हम तो ये सोच रहे हैं अगर तुझे तलाक दे दी तो तेरे बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। अरे तो किसकी इज्जत को मर रहा हराम जादे? दे दो भैया तलाक दे दो। अगर अपनी माँ का दूध पिया है दिखा दिखा, तलाक दे के दिखा मुझे। बेटा मैंने तो दूध पिलाया, अब तू अपना देख ले, मुझे तो इसकी शक्ल बिल्कुल अच्छी ना लगती, तेरे मामू की तरह। जा बोल दिया, जा अपने घर चली जा। है? ये कौन सा तलाक है? क्या पूरे गांव को जोड़ के तलाक लेगी? पूरे गांव को जोड़ू? गांव में नहीं, तलाक कोर्ट में लूंगी, और जो मेरे बाप ने सामान दे रखा है ना एक एक पाई का हिसाब लूंगी, पाई का। ए भूखे घरों की लाई क्या थी झुंझुना? 4 बर्तन लाई, 1 पलंग लाई थी वो भी टूट गया। मेरे लिए तो 1 सूट लाई थी वो भी सड़ा सा, मैंने तो सिलवाया भी नहीं। मैं तो चाहे 1 सुई भी लाई हूँ, जब तलाक होगा तो वो भी तलवार में लिखी जाएगी। तो अपने घर वालों को बुला, क्या कर रहे थे घर वाले? अरे इसका कौन आएगा, और जो इसके बापू भाई आ भी गए इसकी सुन के इसके ही मुंह पे थूक के जाएंगे। रहन दे, क्यों बसा बसाया घर खराब करवा रही है? मैं यूँ कह रही हूँ इस घर का प्यार खत्म हो जाएगा, बस आने ही वाले हैं कुछ देर में तेरे खसम। होल्दानी इससे पूछता हूँ, सुन भाई इधर सुन, हमारा जमीला घर कौन सा? ठीक है निकल, थोड़ी देर में सब पता लग जाएगा। अच्छा हाँ। हाय पुलिस, बेटी तू ऐसा कर अंदर जा। ठीक है अम्मी ठीक है। और जब तक मैं ना बोलूं हम कहाँ चले? मिलके जाना, तुम्हारी माँ के लोग आ रहे हैं। बाहर को चलो, बाहर निकलो, बाहर आओ। रुखसाना ये है जमीला का घर। ओहो तो ये है जमीला का घर, बड़ी मुश्किल से ढूंढने पे मिला है, एड्रेस तो सही से बताया करो। हाँ जी बताया था ना मैंने जमीला का घर। क्या कहा जमीला का घर? बात जमीला इस इलाके की विधायक है जो सब जानेंगे। पागल बना रखा, पुलिस गुलाम है तुम्हारी। क्या हुआ साहब, क्या करने आए हो? बता दो जी ने क्या करने आए हो? कमाई करने। नहीं 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 वो सुनवाई करने, मेरा मतलब है जी सुनवाई करने आए हैं। शेख चिल्ली इंस्पेक्टर लुटेरा, यानी कि टोटा किसी घर भी आ सकता है। ये बताओ फोन करके रोमांटिक करना ठीक है क्या? आए आए। हाँ तो ये बतलाओ फोन किसने मिलाया था? वो किसी लुगाई की आवाज थी क्या होने वाली बेगम? क्या
वो मतलब लुगाई की आवाज थी, लुगाई की आवाज थी। हाँ। तूने तो नहीं मिलाया टाइम पास की खातिर। बोल बोल बोल। ना जी ना, ये तो मेरी अम्मी है, इन्होंने मिलाया फोन। ओबे इतनी जहरीली अम्मी। मैं इतनी खूबसूरत था वे। पहले जामुन बेच दिए, हम तो अब तक सेटिंग करते फिर रहे। साहब, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम 10 जगह पीछा पिटने से बच लिए। ऐसी जगह से ध्यान हटा के काम में ध्यान लगा लो। कितनी जगह पिट लिए इस चक्कर में, लेकिन सुधरे नहीं अभी तक तुम। कुछ गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, कभी इस तरह से पुलिस का दिमाग खराब मत करो। हमारा टाइम खराब कर दिया, हमारा तो ताश खेलने का टाइम खत्म कर दिया। चलो चलो। ना जी ना, ठहरो। क्या है? मैंने किया फोन। मैं अब तक क्या पान चाव रही थी, एक घंटा में पूछता तुमसे है? पागल माननी है पुलिस को, केस लगाओ इस पे। हाँ, केस बनता तेरे पे। मैं तो आप लोगों की आते ही घबरा गई थी, कभी आप लोग मेरे पे चढ़ाई कर दो। चढ़ाई तो अब भी करूँगा। तुमने इंस्पेक्टर शेख चिल्ली लुटेरे का समय बिगाड़ा है, पैसे लगेंगे पैसे। 1000 रुपए लूंगी। हट, रेट बिगाड़ रही है, ऐसे केस के तो 4000 रुपए बनते हैं। तुम चाहे मकान नाम करवा लो, पर मैं तो 1000 रुपए लूंगी। आए हाय, खप्पर भरनी, तो तन्नो कह रही थी अपने माँ बाप को बुला रही हूँ, भाती बुला लिए। आए खप्पर भरनी हैं? बा हम तुम्हारे किंगे से भाती लग रहे हैं भाई। नू सोच रही होगी भैया भाभी है, पहले पैसे लेंगे उसके बाद करेंगे 50-50। हाँ, हाँ, सही कह रही है। अरे तो पुलिस होकर भी गाली दे रही है, बोल कैसे रही है, कुत्ती कुत्ती कह रही है हमें। आए, कुत्ती नहीं, 50-50। मैं ये बोल रहा हूँ कि तू आधी जवान आधी बूढ़ी, इसलिए हुई ना 50-50। ए फोन करने वाली, जल्दी बता दे क्या बात है, वरना ये इतना कड़क है सबका 50-50 कर देगा। साहब जी, बात ये है, ये लोग मुझे तलाक दे रहे हैं। ए हराम का जाने, तो तू तलाक देगा? अगर ये बात ऊपर तक पहुंची, हमारी तो वर्दी उतर जाएगी, इसे तो घर बैठा देंगे। इसी केस के खातिर तो हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है, और तू इसे तलाक देगा? साहब, ये तो हमारा आपस का मामला है, आप बीच में मत बढ़ो, आप जाओ। क्या? हाँ हाँ साहब, हम आपस में बात करके आपको बता देंगे, ये हमारा आपस का मामला है। क्यों बेटी, बोल दे ना। बोल दे। क्या कहा? आपस का फैसला तो फोन जाने से पहले था, अब तो ये मामला इंस्पेक्टर लुटेरे का हो गया है। सही बात है, ये बतलाने की बात है, हम भी आपस में बोल बतला के फैसला करेंगे, क्यों साहब जी? हाँ, ठीक है। तुझे तलाक क्यों देना था? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुझे ये पसंद नहीं है सहजादे? तेरी शक्ल देख के तो कोई तुझे प्रसाद भी ना दे, और तुझे तलाक चाहिए? ए, 50-50, अपने छोरे ने तू समझा नहीं सकती? अबे तेरा छोरा हम जैसे पुलिस वालों का थाना बनाने के लिए लग रहा घर में, है? शर्म आनी चाहिए। मेरा लड़का जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सुबह 12 बजे से पहले उठती नहीं, सुबह की चाय भी हमें 12 बजे मिला है। साहब जी, मेरी सास झूठ बोल रही है, जब ये 12 बजे सो के उठेगी तो मैं 12 बजे ही तो चाय दूंगी, या सुबेरे पहले ही चाय का पतीला इसके मुंह में लौट दूं। ए 50-50, तेरा टाइम टेबल ही खराब है। हाँ साहब, हाँ, सही कह रही है, अपना टाइम टेबल सुधारो सुबह उठने का, वरना चौकी में ले जाके बंद कर दूंगा 50-50। सुबह 4 बजे उठना सीख जाएगी। साहब, अगर पड़ोस में किसी के सिर फूट जाए तो आप फोन करने पे भी नहीं आते, और अब इसके फोन करने पे 5 मिनट में ही आ गए। तेरा कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कुछ लेने देने से काम चल जाएगा, चाय पाने की बात कर लो कुछ। तो एक बात सुन ले, तेरी लाडली बहू ने महिला आयोग में शिकायत कर रखी है, वहाँ रिपोर्ट लिखवा रखी है, वहाँ से सख्ती बढ़ी है, दबाव माना पड़ा, सांस भी तेरे घर भी लिया गया हमने। साहब, केस तो हाथ से निकलता जा रहा है, अब क्या होगा? अबे तू बता कछुए से मुंह वाले, मैं क्या तुझे तलाक दे रहा, क्या तुझे पसंद नहीं है, मैं तो चली जाएगी तब भी कुआरी सी लग रही है। साहब जी, ये खप्पर भरनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं रखूं। साहब जी, आप बताओ क्या मैं अच्छी नहीं लगती? वाह सुंदर है, तभी तब तक खड़े हैं, वरना बोलो तो केस रफा दफा करके निकल लेता।
क्या अपनी औकात दिखाए बगैर बाज नहीं आते? हाँ बोल 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 बोल, क्या बात है? साहब जी, मैं इन्हें अपने घर से पैसे ला ला के देती रहूं तो मैं अच्छी हूँ, अब मैंने मना कर दिया तो मैं अच्छी नहीं हूँ अब। तो ये दहेज वाला मामला है, तो तू तलाक दे रहा था बेटा, अब ये बहू तुझे तलाक देगी। हाँ हाँ दे तलाक दे तू, हम तलाक करवा के जाएंगे। साहब आप चिंता मत करो, आप ये काम करवाओ, आपको खाली नहीं भेजूंगी, ले दे के भेजूंगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा केस पबजी की तरह खत्म हो गया है, क्यों साहब जी? हाँ, जो तू जब देगी अभी दे दे, तेरा केस खत्म करके जाऊंगा, ये शेख चिल्ली का वादा है। अच्छा, अरे बेटे सन्ना, अरे वो 4,000 रुपए लाना पेंशन के। आई अम्मी, अम्मी ये लो पैसे, इसकी राड़ काटो। अच्छा तो तुम्हारे भी बेटी है और तब तुम दहेज की बात करते हो? साहब जी, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आप मेरे हक में बोलो, पर आप तो इनकी तरफदारी कर रहे हो। क्या? लो साहब। ओए इसकी तरफ तो 4,000 ने कर दिया। तू एक बात बता, तुझे एक दुखी करता है या सारे दुखी करते हैं? साहब जी, मुझे ये सारे दुखी करते हैं। इनकी सैंपल न लाई मैं, और इसको अंगूठी न लाई, और इन्हें मेरे बाप का जोड़ा पसंद न आया दिया हुआ। ए काले मुखी, अब अगर न लाए ना तो आगे भी ऐसे ही दुखी करूंगी। हाँ हाँ, ये इंस्पेक्टर भी मेरा है, मेरा। ओबे, रुक्साना, वे शादी का कार्ड छपवा लूं क्या? देखा रुक्साना, अभी लड़की उन्हें कह रही है ये तो मेरा, अब कार्ड छपवा लेता शादी के। चुपचाप फैसला कर ले, केस खत्म करवा ले, 4,000 रुपए ही कमा ले, वरना खोपड़ी पे इतने जूत लगेंगे, सुधर जाएगा। घोड़ी घोड़ी लाल लगाम, लड़की को नहीं समझा सकती हैं? वे क्या कह रही है? क्या 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 कह रही है लड़की, समझ नहीं आ रही? थानेदार मेरा हैं? के, 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 केस करवाना या फैसला? और ये क्या मांग रहा था? साहब जी, अब ये लोग 50,000 रुपए मांग रहे हैं मेरे से। क्या कह रहा था? 50,000 मांग रहा था? बाप अगले 50,000 में तो कटड़ा भी नहीं आता, कटड़ा भी, और तू 50,000 में अपना ईमान खो रहा है? बस तेरे पास जवान बहन खड़ी है, कल को कोई और मांगेगा तब क्या होगा है? देख ले, दिन छिपका तेरा केस लड़ते लड़ते, सबको अंदर कर दूंगा चौकी में बंद, सब भूल जाओगे। आई भाई, साहब जी कुछ ना लाई, 1,00,000 रुपए लाई थी, अब तो मैंने 50,000 रुपए मांगे, अब तो ये कुछ भी नहीं लाती। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब ये सब झेल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तलाक दो इसे, जो ये सामान लाई थी वो भी सामान तुम दोगे, और जो नहीं लाई है वो भी सामान तुम ही दोगे? हैं? हैं? ये क्या बात हुई सर जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अजी क्या लाई, कुछ भी ना लाई, कुल मिलाकर 10,000 रुपए का सामान भी ना लाई। इतना तो हम वापिस कर देंगे। तू चुप कर, बीच में नहीं बोला करते। जो ये सामान लाई है उसके पैसे तो तुम दोगे, और जो ये नहीं लाई है उसके पैसे हम दिलवाएंगे। यू क्या कह रहे हो साहब? ए तलाक होन दे, थोड़ी देर थम जा, फिर बोलिए, क्यों साहब जी? हाँ 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 सही कह रही, सही कह रही। क्या? हमारी तो समझ से बाहर है साहब। ये इंस्पेक्टर शेख चिल्ली लुटेरे का हिसाब से, तलाक का सारा हिसाब से, तुम्हारी जल्दी समझ में नहीं आएगा। साहब जी तुम इन्हें कहने दो, केस को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो एक बात बता, तू फ्रिज लाई थी? हाँ जी। वॉशिंग मशीन लाई थी? हाँ जी। वो भी लाई थी। मिक्सी लाई थी? हाँ वो भी लाई थी। मोटरसाइकिल लाई थी? हाँ मोटरसाइकिल भी लाई थी। कूलर लाई थी? हाँ जी। पंखा लाई थी? हाँ लाई थी। बेड लाई थी? हाँ वो भी लाई थी। और वो चाकी, वो चरखी, चरखी 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 लाई थी? चरखी चरखी हाँ जी वो भी लाई थी। वो क्या, जामीन तोड़ने की हाँ जी वो भी लाई थी। चरखी न्यू घुमा कर जो न्यू, वो भी लाई थी जिस बुढ़िया ने तोड़ दी। ओवे, तोड़ दी। अच्छा एक बात बता, अलमारी भी लाई थी? ना जी, अलमारी को छोड़ के बाकी सारी चीजें लाई थी मैं। रुक्साना ये तो ईमानदार है, औरत तो सच्ची है भाई।
हाँ तो कुल मिला के ये हुआ कि कुल मिला के लमसम 5 लाख रुपए का दहेज बनता है। 5 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। 5 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगा 5 लाख रुपए? मेरे पास हराम के बन रहे 5 लाख रुपए। अजी यो कैसा फैसला है, मेरे लड़के को मार रहे हो? चुप करो, तेरी और इसकी बातों से पता चल रहा है कि तुम इसे परेशान करते हो, इसे पैसे मंगाते हो। अरे ये कहाँ से पैसे ला के देंगे, इनके धोरे बैंक खुल रहा है। ये गरीब बेटी पता लग रही है, इसका बाप कितना गरीब है, कहाँ से मांग के तुम्हारे शौक पूरे करता। इसकी और भी बहन होंगी, उन्हें कहाँ से करेंगे। हाँ और सुनो, पुलिस वालों से कभी फैसला मत कराना। ये लो शेख जी, इनके 4,000 रुपए दे दो। ठीक है, अब हम तुम्हारे 4,000 रुपए लौटा देंगे, क्योंकि हम तो तुम्हारे घर का फैसला करने आए थे। हाँ। ना कि रिश्वत खाने। ये लो अपने 4,000 रुपए पूरे। अजी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आज से मैं अपनी बहू को बड़े प्यार से रखूंगी। भाइयों कभी ऐसे तलाक मत मांगना, वरना तो तुम्हारी बहनों को भी लड़ना पड़ेगा मेरी तरह। ठीक है तो अब हम फिर मिलेंगे।